विधानसभा निर्वाचन में ड्यूटी पर लगे प्रेक्षकों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 9 विधानसभा में ड्यूटी पर लगे प्रेक्षकों की बैठक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की गई है तथा सभी दल के प्रतिनिधियों को अभी तक की तैयारियों से अवगत करवाया गया है और साथ ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता के नियमों से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है तथा सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर SDM सदर कुलदीप मीणा, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, संदीप नंदूरी, जनरल ऑब्जर्वर 321 पिपराइज, जनरल ऑब्जर्वर 322 सदर और 323 सदर, माय नेम बोला 324 असेंबली कांस्टेबल, जनरल ऑब्जर्वर खजिनी। नमस्कार, नमस्कार, मैं प्रेमानंद हूँ। माननीय प्रेक्षक के आयोजन में जिले की टीम निष्पक्ष स्वतंत्र और एक पारदर्शितापूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध प्रयास कर रहा है। आचार संहिता के लागू होने के पश्चात आचार संहिता, आप जैसे देख रहे हैं, बहुत ही अनुभवी और विभिन्न राज्यों से जिनको चुनाव प्रक्रिया की बहुत सारी बारीकी। आज जो सभी माननीय प्रेक्षकगण के मार्गदर्शन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक की गई, सभी नोडल अधिकारियों से, सभी आरओस के साथ बैठक की गई। अभी तक की तैयारी के बारे में, अभी तक जो गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में बताया गया, अपेक्षाएं, आचार संहिता के प्राविधान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया, प्रेक्षकगण के सामने प्रस्तुत किया गया। अच्छी चर्चा हुई, अच्छी बैठक हुई और शत प्रतिशत आचार संहिता का पालन करते हुए एक शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण, सकुशल इलेक्शन संपन्न कराने के लिए कार्रवाई करने के लिए सबसे अपेक्षा बताई गई।